हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर, लेक्चर थर्ड ऑफ दिस चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो पहले के दो लेक्चर्स में हम व्हाट इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड देख चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में देखेंगे। तो आप इस कुछ लेक्चर को देखने से पहले आपको फुल लेक्चर वन एंड लेक्चर टू देखना जरूरी है, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए और समझिए, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो इस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हमने बायनोमियल नॉर्मल क्लेचर भी पढ़ चुके हैं, तो अब हमें टैक्सोनॉमी के कैटेगरीज देखने की, नॉर्मल क्लेचर के थ्रू जो हमने बायनोमियल नॉर्मल क्लेचर किया उसके अंदर अब हम कौन कौन सी कैटेगरीज जो है इंट्रोड्यूस की गई है, कैसे है, अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती क्या है? तो कैटेगरीज में यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में देखा था हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का ग्रुप बनाते हैं और फिर उसको अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे ग्रुप बना के उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। तो ग्रुप जो हम बनाते हैं उसी को हम यहाँ पे कहते हैं कैटेगरीज। तो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं हायरार्की स्टेप्स के अंदर, तो जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटेगरीज। और हर एक कैटेगरी जो है वो फर्दर डिनोट करता है एक रैंक को, और रैंक को ही हम टैक्सोन भी बोल सकते हैं क्योंकि वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। तो ये स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंट यूनिट है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, रैंक और टैक्सोन में दोनों सेम ही वर्ड यूज किए जाते हैं, और दोनों रैंक को या टैक्सोन को हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो यहाँ पे कैटेगरीज है, कैटेगरीज ही आगे जाकर रैंक को डिनोट कर रही है, और कैटेगरीज बेसिकली है क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हम क्लासीफाई करेंगे तो अलग अलग ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को डालेंगे। और यही पूरा क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, क्योंकि हम टैक्सोनॉमिक कि जो कुछ रूल्स है उसके बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल स्टेप नहीं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर कैरेक्टराइजेशन करते हैं, और फिर उसके बाद क्लास नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये कुछ पैटर्न्स और रूल्स है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। तो ये टैक्सोनॉमी के रूल्स है और टैक्सोनॉमी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हर एक कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोल सकते हैं। और इसके बेसिस पे जो हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन करेंगे, एक ग्रुप ऑफ पूरा सीक्वेंस आएगा जिसके अंदर हम अलग अलग क्लासेस में ऑर्गेनिज्म को बांटेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो जो रैंक जो होता है तो वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, हमने देख लिया रैंक, एंड कॉमनली कौन, टैक्सॉन भी बोल सकते हैं। तो टैक्सा जो है वो प्लूरल वर्ड है, सिंगल अगर एक हम टैक्सा की बात करेंगे तो हम टैक्सॉन बोलेंगे, ये सिंगुलर है, और जो टैक्सा जो है वो प्लूरल वर्ड है। तो सबसे पहले हम हायरार्की को देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हायरार्की में सबसे जो हाईएस्ट हायरार्की है वो है किंगडम, और स्मॉलेस्ट जो है स्पीशीज। तो एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स में बांट रहे हैं, तो हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे। तो हमें समझना है, तो समझने के लिए हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे। तो अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखें, स्मॉलेस्ट जो हायरार्की है वो है स्पीशीज। तो स्पीशीज के अंदर भी क्या, ये एक कह सकते हैं ये एक कैटेगरी है स्पीशीज की, इसके अंदर जो एग्जांपल्स होंगे उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी एक टैक्सॉन है। तो वो अलग अलग लेवल पे, तो स्पीशीज के अंदर जो होंगे वही जीनस के अंदर भी आगे जाके ग्रुप में बनेंगे। तो इस ग्रुप ऑफ स्पीशीज से मिलके क्या बनेगा, कुछ एक जीनस बनेगा, फिर उस जीनस के कई सारे ग्रुप्स को मिला के एक फैमिली बनेगी, फिर कई सारे फैमिली के ग्रुप्स को मिला के एक ऑर्डर बनेगा, फिर ऑर्डर को भी कंस्टिट्यूट करके काफ़ी सारे ऑर्डर्स के ग्रुप्स को कंट्रीब्यूट करके एक क्लास बनेगा, फिर क्लास के कुछ ग्रुप्स को मिला के फाइलम या फिर डिवीजन बनेगा, और फिर फाइलम और डिवीजन को मिला के भी बेसिकली एक किंगडम बनेगा। तो इस तरह हमारा जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है। और आपको दिख रहा है कि अगर स्पीशीज होंगी तो एक टाइप की हम एक स्पीशीज ले ली, हमने मान लो 10 स्पीशीज ले ली, तो सबके जो कैरेक्टर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तभी तो हम उसको स्पीशीज के ग्रुप में रख रहे हैं। तो एक स्पीशीज ले ली हमने, उसके 10 स्पीशीज को ले लिया सिमिलर, तो सिमिलर स्पीशीज को लेने के बाद उसके अंदर कैरेक्टर जो होंगे वो बहुत ही मैच होंगे और बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर मैच होंगे। लेकिन हमने बहुत सारी स्पीशीज को ले लिया, अलग अलग स्पीशीज को, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर मैच हो रहे हैं, और फिर उससे हमने क्या बना दिया, एक सिमिलर जीनस। तो जीनस जो है वो सेम जीनस है लेकिन उसके अंदर स्पीशीज जो है अलग अलग है। तो जीनस में क्या होगा, स्पीशीज डिफरेंट है, तो जीनस लेवल पे अगर हम देखेंगे तो जो सिमिलर कैरेक्टर होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, कुछ कम ही कैरेक्टर होंगे जो मैच करेंगे। फिर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे फैमिली में, तो फैमिली में और ज्यादा ग्रुप एनिमल्स और ज्यादा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बन गया। तो जैसे जैसे ग्रुप वाइड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे सिमिलर कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे। तो सिमिलर कैरेक्टर जो ऊपर जाने की तरफ क्या होते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं। अब इनके एग्जांपल्स को हम देखेंगे, स्पीशीज में कौन कौन सी स्पीशीज है, कैसे स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती है, जीनस के क्या एग्जांपल्स है, ये हम अब डिटेल में देखेंगे। तो अभी आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझाना था, आपको समझ में आ गया होगा ये सारी कैटेगरीज है इनकी, किंगडम, फाइलम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइलम और डिवीजन, तो फाइलम का सिंपल इसका रूल है, फाइलम जो है हम एनिमल के केसेस पे कहते हैं और डिवीजन जो है वो प्लांट के केसेस पे कहते हैं, इसी कैटेगरी इसी लेवल पे। जब अगर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम डिवीजन कह देंगे, और एनिमल का कर रहे हैं तो फाइलम कह देंगे। तो उसके बाद हम क्लास देखेंगे, क्लास भी एक कैटेगरी है, ऑर्डर भी एक कैटेगरी है, फैमिली भी एक कैटेगरी है, तो इन सबको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले स्पीशीज से। तो स्पीशीज को अगर हम देखें तो स्पीशीज में क्या होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्पीशीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा बेसिक यूनिट है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है हायरार्की की। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से शुरू होगा, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है उनके ग्रुप को मिला लिया हमने जिसके अंदर सिमिलैरिटी है,
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पीशीज। अब एग्जाम्पल में अगर हमने देख लिया मैग्निफेरा इंडिका, तो यहाँ पे आपको पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक नेम है उसमें फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस होता है, सेकंड नेम जो होता है वो स्पीशीज होता है। तो अभी हमें जीनस नेम पे नहीं फोकस करना है, हम स्पीशीज के बारे में पढ़े, तो स्पीशीज पे आपको देखना है। तो मैग्निफेरा इंडिका यानी कि मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो को कहते हैं। पैंथेरा लियो जो है वो लायन है, तो लियो जो है इसका स्पीशीज नेम है, इसका ट्यूबरोसम स्पीशीज नेम है। तो ये ऑल थ्री नेम जो है वो इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये क्या है, स्पीशीज नेम है। तो ये स्पीशीज नेम आपके एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना, और जितने भी साइंटिफिक नेम इस बुक में हम पढ़ेंगे वो सबको आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा जीनस। अब जीनस क्या होगा, ऐसे ही कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से हमने स्पीशीज बनाई, अब कुछ स्पीशीज का ग्रुप लेके हम क्या करेंगे, जीनस बनाएंगे। तो जेनरा में क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये हमेशा याद रखना है। कभी भी जब हम ग्रुप बनाएंगे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप हमेशा उन्हीं का बन सकता है जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे। तो ये स्पीशीज हो गई, और सबके क्या है, सिमिलर कैरेक्टर है। मे बी अगर प्लांट है तो प्लांट के अंदर क्या होगा, सेम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ पैटर्न, फ्लावरिंग, तो ये सारी अगर सिमिलर होगी, एनिमल के केस में सेम टाइप से रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे, मैकेनिज्म सेम होगा, तो ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, और ग्रुप करके क्या बनाएंगे, जीनस बनाएंगे। तो अब तक हमने स्पीशीज देखा था ऊपर पोटैटो में, तो सबके अब आप जीनस नेम को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो एग्जाम्पल में। जैसे कि हमने देखा था पोटैटो एंड ब्रिंजर, ये जो है टू डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन इनका जीनस जो है वो सेम है, सोलेनम जो है सेम जीनस है। वैसे लायन का भी हमने देखा, लायन में पैंथेरा लियो है, तो लियो मान हमने स्पीशीज देखी थी ऊपर, अब इस जीनस जो है इसका वो पैंथेरा है, और लियो पार्ट जो है उसका जीनस अलग है पैराडस, बट इसका भी जो स्पीशीज अलग है पैराडस पार्डस, बट इस जीनस जो है वो सेम है पैंथेरा। तो हम कह सकते हैं कि जो लियो स्पीशीज है और जो पार्डस स्पीशीज है, ये दोनों किसके अंडर आ रही है, पैंथेरा के अंदर। तो इन दोनों का ग्रुप बन के ये वाला जीनस बन रहा है, ये हम कह सकते हैं। एक और है इसमें, टाइगर को भी हम क्या कहते हैं, टिग्रिस, उसकी स्पीशीज है, तो टिग्रिस जो है ये भी स्पीशीज मिलके क्या बना रही है, ये पैंथेरा जीनस बना रही है। तो इस ग्रुप ऑफ स्पीशीज से मिलके एक जीनस बन रहा है। तो अब क्यों बन रहा है, क्योंकि इन तीनों स्पीशीज में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स रहे होंगे, तभी ये जो है जीनस फॉर्म कर रहा है, एक सिमिलर जो है पैंथेरा। तो इनके अंदर कुछ ना कॉमन फीचर्स होते हैं, ऑल स्पीशीज जीनस जो पैंथेरा है, लेकिन ये है कि स्पीशीज जो होगी क्लोजली रिलेटेड, जब हम स्पीशीज बनाएंगे तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमने इसके अंदर कुछ कम कैरेक्टर्स होंगे जो जीनस फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। वैसे अब अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें, नेक्स्ट लेवल की बात करें, तो अब हमारा आएगा फैमिली। तो फैमिली के अंदर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। प्लांट स्पीशीज में क्या होता है, दोनों बेसिस के होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी देखते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी देखते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि हमने जेनरा देखा भी, सोलेनम पैंथेरा जो था, पैंथेरा और सोलेनम जो था वो प्लांट के केस में था, पैंथेरा जो एनिमल्स का एग्जाम्पल था। तो सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा प्लेस इन द सिमिलर फैमिली कॉल्ड सोलेनेसी। तो सोलेनेसी क्या होगी, यहाँ पे एक फैमिली है जो किसके ग्रुप में बना रही है, किसका ग्रुप करके बन रही है, जीनस के ग्रुप से। अब जीनस कौन से हैं, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। तो ये सारे ग्रुप किसके हैं, जीनस के, और ये सारे ग्रुप ऑफ जीनस से मिलके एक क्या बन रही है, फैमिली बन रही है, सोलेनेसी ये वाली। तो अमंग एनिमल्स में अगर हम देखें, तो हमने अभी देखा पैंथेरा एक जीनस था जिसके अंदर स्पीशीज आ रही थी लियो, टिग्रिस। अभी हम यहाँ पे देखेंगे पैंथेरा एक जीनस है, जीनस जो है पैंथेरा, पैंथेरा से मिलके क्या क्या बन रहा है। पैंथेरा में अब हमने कुछ और जीनस मिला दिए, कंप्राइजेस लायन, टाइगर, लिपर्ड, हमने दिए देखा इस जीनस में ये सारे एनिमल्स आ रहे थे, पुट अलॉन्ग। अब इसके हमने जीनस डाल दिया किसके साथ, फेलिस, फेलिस भी एक जीनस है, कैट, जिसके अंदर कैट आती है। तो इनमें भी कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर है, बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर है बट है, इसीलिए हमने इसको फर्दर ग्रुप कर दिया फैमिली लेवल पे, फैमिली के कैटेगरी लेवल पे हमने एक सिमिलर फैमिली में डाल दिया जिसका नाम है फेलिडी। तो फेलिडी के अंदर ये दोनों जीनस हमारे ग्रुप हो गए। तो ये थोड़ा और अपर लेवल की क्लासिफिकेशन होगी, तो कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे इनके बीच में और थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि टाइगर, लायन, अगर हम फिजिकली देखें मॉर्फोलॉजिकल, तो टाइगर, लायन और जो लियोपार्ड है उसके अंदर ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे, लेकिन अगर जब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे कैट के साथ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएंगे, बट स्टिल कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर है, इसलिए हमने सिमिलर फैमिली में रखा है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट लेवल था फैमिली। वैसे ही आप एक और देख सकते हैं, कैनिडी भी एक फैमिली होती है, फैलिडी और कैनिडी जो है फैमिलीज के एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी कुछ डिफरेंट जेनराज आते हैं, तो कैट एंड डॉग के, तो कैट के लिए फैलिडी होती है। तो नेक्स्ट लेवल है हमारा ऑर्डर, तो ऑर्डर के अंदर भी क्या होता है, असेंबलेज ऑफ फैमिलीज होती है, तो हमने ऊपर फैमिलीज पढ़ी, उसका ग्रुप ऑफ फैमिलीज मिला के एक ऑर्डर को बनाएगी। तो हमने अभी फैमिली देखी थी सोलेनेसी, जिसके अंदर सोलेनम
और डिफरेंट प्लांट्स के आ रहे थे, और अब वही फैमिली एक और फैमिली कॉर्नवलेसी फैमिली के साथ ग्रुप करके क्या बनाएगी, एक ऑर्डर बनाएगी जिसे हम कहेंगे पॉलीमोनियल्स। तो पॉलीमोनियल्स जो है प्लांट का एक एग्जांपल हो गया ऑर्डर का। सेम वैसे ही अगर एनिमल्स के केस में देखें तो एनिमल्स में हमने देखा फेलिडी होती है, फेलिडी के अंदर कैट भी आता है, टाइगर लियोपार्ड टिग्रिस ये सारी चीज़ें, ये दूसरी फैमिली कैनिडी यानी जिसके अंदर डॉग आते हैं, इन दोनों फैमिलीज का ग्रुप बन के एक ऑर्डर बनता है जिसे हम कहते हैं कार्निवोरा। नेक्स्ट है हमारा क्लास, तो क्लास के अंदर क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अब तो ऑर्डर हमने देखा प्राइमेटा, ऑर्डर हमने देखा यहाँ पे कार्निवोरा, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है प्राइमेटा, वैसे एक दूसरा ऑर्डर है प्राइमेटा, इसके अंदर क्या आते हैं मंकीज, गोरिल्ला एंड गिबन, ये सारे मिलके, ये सारे एनिमल्स जो हैं एक डिफरेंट ऑर्डर्स में आते हैं, ऑर्डर्स मिलके क्या बनाते हैं यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्राइमेटा। तो ऑर्डर जो है, तो नेक्स्ट लेवल है हमारा क्लास, तो क्लास के अंदर क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स होंगे लेकिन सिमिलर ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर प्राइमेटा होता है, प्राइमेटा के अंदर मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन्स आते हैं, तो ये सब मिलके एक क्लास बनाते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर से, वो क्लास क्या होती है मेमिलिया। तो ये सारे एनिमल्स जो एक क्लास के अंदर में आते हैं मेमिलिया, और किसके साथ, ऑर्डर कार्निवोरा के साथ भी, मतलब कि एक ऑर्डर हमारा प्राइमेटा हमने ऊपर नहीं देखा, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, और ये जो हमने अभी कार्निवोरा देखा ऑर्डर, ये दोनों मिलके एक ग्रुप बना क्लास बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मेमिलिया। तो आपने देखा कि कार्निवोरा में कौन से होते हैं, टाइगर कैट एंड डॉग आते हैं। क्लास मेमिलिया जो हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, यानी कि क्लास के अंदर प्राइमेटा भी होता है और कार्निवोरा, ये दोनों ऑर्डर्स होते हैं। तो नेक्स्ट लेवल है हमारा क्लास, तो क्लास के अंदर क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स होंगे लेकिन सिमिलर ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर प्राइमेटा होता है, प्राइमेटा के अंदर मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन्स आते हैं, तो ये सब मिलके एक क्लास बनाते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर से, वो क्लास क्या होती है मेमिलिया। तो ये सारे एनिमल्स जो एक क्लास के अंदर में आते हैं मेमिलिया, और किसके साथ, ऑर्डर कार्निवोरा के साथ भी, मतलब कि एक ऑर्डर हमारा प्राइमेटा हमने ऊपर नहीं देखा, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, और ये जो हमने अभी कार्निवोरा देखा ऑर्डर, ये दोनों मिलके एक ग्रुप बना क्लास बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मेमिलिया। तो आपने देखा कि कार्निवोरा में कौन से होते हैं, टाइगर कैट एंड डॉग आते हैं। क्लास मेमिलिया जो हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, यानी कि क्लास के अंदर प्राइमेटा भी होता है और कार्निवोरा, ये दोनों ऑर्डर्स होते हैं। अब फाइलम क्या है, फाइलम क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लास, उससे भी बड़ी, तो इसके अंदर और सिमिलर कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बेस्ड ऑन कॉमन फीचर बट लेस कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ, अब यहाँ पे आपको कैरेक्टर भी बताया हुआ है कि कॉर्डेटा जो फाइलम है इसके क्या कॉमन फीचर्स होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर्स में, अभी आपको यहाँ पे फाइलम पे कंसंट्रेट करना है कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं जिसके अंदर ये सिमिलर फीचर्स होते हैं। तो इसके अगर प्लांट के केस में होगा तो हम क्या कहेंगे, उसको डिवीजन कहेंगे। सेम अब इससे ऊपर हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो है हमारी वो है किंगडम। तो किंगडम के बेसिस पे तो आपको पता है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में बांटा गया, एनिमिलिया एंड प्लांटी। तो एनिमिलिया के अंदर सारे वो ऑर्डर या क्लास सब कुछ कंस्टिट्यूट हो जाएगा, सारे क्लासेस आ जाएंगे जिसके अंदर एनिमल से रिलेटेड और प्लांट के जो रिलेटेड हो सारे प्लांटी में आ जाएंगे। तो यही आपको दिखा गया कि हमने अब तक सिर्फ सेवन कैटेगरीज देखी, यहाँ पे आपको सेवन कैटेगरीज देखी, बट इसके अंदर फर्दर जैसे किंगडम है तो किंगडम के अंदर सब कैटेगरीज भी पाई जाती है, सब किंगडम, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब एंड सुपर ऑर्डर, तो फर्दर इसको और कैटेगराइज किया गया है, बट वो आप आगे फ्यूचर में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है सब कैटेगरीज में भी हायरार्की को बांटा गया। तो यहाँ पे आपने सेवन कैटेगरीज को देखा और आपने देखा कि जैसे हम किंगडम पे पहुंचेंगे यानी कि हायर कैटेगरी पे पहुंचेंगे तो डिफिकल्टीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे बट जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्लासिफिकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी में जाएंगे वैसे वैसे सिमिलर कैरेक्टर लेस हो जाएंगे बट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रुप होते जाएंगे अलग अलग फीचर्स के, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बट सिमिलर कैरेक्टर जो है वो लेस हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं इस टेबल में, आपको सारे याद करने अच्छे से, मैन, हाउस फ्लाई एंड मैंगो एंड वीट के सारे सेवन क्लासिफिकेशन हायरार्की के, तो आपको ये सारे अच्छे से याद रखने हैं। हमने मैग्नीफेरा इंडिका का डिटेल में देखा है, होमो सेपियंस का आपको बिल्कुल याद रखना है, होमो और सेपियंस जो है इसकी स्पीशीज नेम है, यहाँ पे सारे स्पीशीज नेम यहीं पे दिया हुआ है और जीनस नेम के लिए अलग से कैटेगरी है, फिर उसकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड डिवीजन, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं हाउस फ्लाई, इन सबके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फाइनली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फाइलम और डिवीजन, इसके बाद आपको किंगडम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो मैन है, हाउस फ्लाई, ये सारे एनिमल्स हैं तो ऑब्वियसली ये एनिमेलिया में आएंगे, और मैंगो और वीट जो ये प्लांट्स हैं सारे प्लांटी किंगडम में ही आएंगे, तो इसलिए ये अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट बाकी सारी चीज़ें फाइलम और यहाँ पे डिवीजन है प्लांट के केस में एंजियोस्पर्मी, तो ये आपको याद रखना है, प्लांट के केस में कॉर्डेटा एंड आर्थ्रोपोडा जो है ये फाइलम है, तो ये आपको अच्छे से याद करके रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिकल एट के साथ मिलेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ भी ऐड करना है या आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।